नंबर वन, उबले आलू काटते समय चाकू को गीला कर ले, इससे आलू चाकू पर नहीं चिपकेंगे। नंबर टू, किचन में वॉश बेसिन पर थोड़े से सिरके में नींबू लगाकर रगड़ने से बेसिन चमकने लगता है, साथ ही दाग धब्बे भी मिट जाते हैं। नंबर थ्री, स्टील के बर्तनों के दाग दूर करने के लिए प्याज के रस में सिरका मिलाकर साफ करें, दाग दूर हो जाएगा। नंबर फोर, क्रॉकरी साफ करते समय साबुन में थोड़ा सा पीसा नमक मिला दे, क्रॉकरी चमक उठेगी। नंबर फाइव, बर्फ की ट्रे अक्सर फ्रीजर में जम जाती है और आसानी से नहीं छूटती। यदि आप फ्रीजर में पहले से ही बटर पेपर अथवा पॉलीथीन बिछाकर उस पर ट्रे में पानी भरकर रखेंगे तो बर्फ जमने के बाद भी ट्रे बड़ी आसानी से फ्रीजर से निकाली जा सकेगी। नंबर सिक्स, यदि कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी हो जाए तो उसकी कड़वाहट कम करने के लिए कॉफ़ी में थोड़ा सा नमक डालें। नंबर सेवन, गीला नारियल फोड़ने से पहले नारियल को गैस पर 2 मिनट सभी ओर से गर्म कर लें, फिर तुरंत नारियल पर ठंडा पानी डालें। बाहरी आवरण से अंदरूनी हिस्सा निकालने में आसानी होगी। नंबर एट, स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों पर से स्टिकर निकालने के लिए इसके उल्टी तरफ से बर्तन को गैस पर हल्का सा गर्म करें, स्टिकर बर्तन को थोड़ा सा छोड़ने लगेगा। अब चाकू की सहायता से खींचकर निकाल लें। नंबर नाइन, भजिया बनाते वक्त भजिए के गोल में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दे, भजिया कम तेल पिएगा। नंबर टेन, पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त पानी में 1 चम्मच शक्कर मिला दे, पूड़ियाँ सॉफ्ट बनेगी। नंबर 11, साबूदाना के बड़े बनाने के लिए साबूदाना अच्छा से भीगा हुआ होना चाहिए। यदि साबूदाना बराबर भीगा हुआ नहीं है तो बड़े तलते वक्त कढ़ाई में फूटेंगे। नंबर 12, लहसुन जल्दी छीलने के लिए इसकी कलियां अलग अलग कर थोड़ी देर पानी में भिगो दें। नंबर 13, फूल गोभी पकाते वक्त पानी में कुछ चम्मच दूध डालने से इसमें महक नहीं आती है। नंबर 14, प्लास्टिक की या कांच के बर्तनों में बदबू की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें भीतर की ओर नींबू के छिलके से घिसें, फिर 5 मिनट के बाद उन्हें धो लें। नंबर 15, पीतल के बर्तनों की खोई चमक लौटाने के लिए इमली और नमक को मिलाकर पेस्ट बनाएं, उसे बर्तनों पर लगाकर घिसें और पानी से धोएं, इससे वह चमक उठेगा। नंबर 16, हाथों से किरोसिन की महक दूर करने के लिए उन्हें दही लगाकर रगड़ने के बाद पानी से धोएं। नंबर 17, धान को कीड़ों से बचाने के लिए कंटेनर में कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल की कुछ बूंदें डाल दें। नंबर 18, चींटियां की समस्या से निजात पाने के लिए ट्यूबलाइट के निकट 2 से 3 प्याज की गांठें लटका दें, जिससे चींटियां दूर भागती है। नंबर 19, अगर आप सूप तैयार कर रहे हैं और उसमें डालने के लिए आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें मक्खन और दूध का मिश्रण डाल सकती हैं, इससे वह और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 20, आटे को नमी से बचाने के लिए उसमें तेजपत्ता डाल दें। नंबर 21, अगर आप चाहती हैं कि मोमबत्ती अधिक समय तक रोशनी दे तो उन्हें कंटेनर या ग्लास में फिक्स करने के बाद उसको पानी से आधा भर दें, फिर मोमबत्ती जलाएं, इससे वह अधिक समय तक जलेंगे। नंबर 22, टमाटर पकाते समय
उसमें एक चुटकी नमक डालने से वह जल्दी गलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे ऐसे ही किचन टिप्स और हेल्थ टिप्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर टच कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।